पश्तून और बलोच आपस में लड़ रहे हैं उसके अंदर। अब आ जाए सिंध के अंदर, जो हमारा इशू है, हमारे साथ क्या हो रहा है। और क्योंकि सोशल मीडिया कराची के पास ना बड़ी पावर है सोशल मीडिया की, तो पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर जो है ना कराची की वीडियोस और कराची की बातें हर जगह कोई देखता है। अब ये बोलते हैं कि यार ये मसला क्या है यार कराची की पॉपुलेशन का। ये मसला मैं आपको समझाऊं ना, प्रॉब्लम क्या है, मसला कराची वालों को ये है, हो क्या रहा है। देखिए जिस वक्त पाकिस्तान बना तो एकदम से इन्फ्लक्स हुआ यहाँ पर महाजरों का, उर्दू स्पीकिंग लोगों का। कराची के अंदर जो है मेजॉरिटी जो है उर्दू स्पीकिंग एरियाज़ की हो गई, सारे 62-68% के करीब माजरा आ गए सारे, जो पंजाबी वो अपना सिंधी चले गए यहाँ से, हिंदू जितने थे इन्होंने कर लिया सारा। अच्छा उस वक्त एक फीलिंग डेवलप हुई सिंधियों को, और राइटली सो, उन्होंने कहा जी ये एरिया जो है ये हमारे हाथ से निकल गया है, ठीक है ना। सिंधी के अंदर जो सिंधी नेशनलिस्ट थे, हालांकि उस ज़माने में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन उस ज़माने के आप अगर पुराने अखबार उठा के देखोगे जो पॉलिटिशियंस हैं उस ज़माने के, वो काफ़ी इसके अंदर, फिर जो दूसरा झगड़ा डेवलप हुआ कराची को अलहदा करने का, कैपिटल बनाने का, वो भी खासा सेंसिटिव था उस। खैर नहीं, वो एक अलहदा कहानी है सारी। अब करंट सिचुएशन क्या है, उस वक्त से उनको ये जहन में है कि कराची की पॉपुलेशन जो है एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। कराची एक नेचुरल ग्रोथ रेट तो अपनी जगह पर है उसके अंदर। कराची में क्योंकि डेवलपमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, तमाम चीज़ें हुई, तो पूरे मुल्क से लोग कराची आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, उस वक्त भी आ रहे थे। और जब पहली सेंसिस हुई है 1951 में, तो उस वक्त कराची की पॉपुलेशन जो 18.75% ऑफ सिंध की पॉपुलेशन की थी, पूरे सिंध की 18.75% थी सिर्फ। दूसरी सेंसिस जब हुई 61 के अंदर, तो कराची की पॉपुलेशन 24.6 के करीब हो गई, यानी कि 5.68 पॉपुलेशन जो है कराची की कंपैरेटिवली बढ़ी उसके अंदर। अच्छा जब उन्होंने ये देखा तो, अच्छा 61 में कोई स्टेक होल्डर था नहीं, क्योंकि वन यूनिट था, तो कमांड सिंध के लोकल उनके हाथों में नहीं थी। हैदराबाद अपना लाहौर कैपिटल होता था। पॉपुलेशन सेंसिस कंपैरेटिवली बेहतर हुई 51 में भी, बेहतर हुई उस ज़माने में भी, के नाम है इस तरह के सेंसिस नहीं थे। अब आ गया 72 में क्या चेंज आया, 72 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई, सिंध में भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, फेडरल गवर्नमेंट भी के नाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट थी। अब जब 72 में इन्होंने पॉपुलेशन सेंसिस किए, तो जो फ़र्क आया सिर्फ जो बढ़ी है कराची की पॉपुलेशन 1.05% बढ़ी है, कहाँ 5% और कहाँ 1.5% नज़र आ रहा है कि सप्रेस किया गया। हालांकि 61 का ज़माना वो था, 61 से 72 का ज़माना क्या था, सारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है, सारा पठान पंजाबी यहाँ पे आ रहा था नौकरियों के लिए, ठीक है। ईस्ट पाकिस्तान डिसमेंबर हुआ था, सारा बिहारी यहाँ पर आया हुआ था, लैंग्वेज राइट हुए थे, इंटीरियर सिंह से लोग आए हुए थे सारे कराची के अंदर। कराची की पॉपुलेशन बहुत बड़ी थी, लेकिन पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने प्लान करके उस पॉपुलेशन को सप्रेस किया। हालांकि टेक्निकली होना ये चाहिए था, जो इतनी सारी जो लोग इन्फ्लक्स हुए थे उनको अगर काउंट करते तो कराची की पॉपुलेशन अगर 5% है तो 4% तो फ़र्क पड़ना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ 1.05% बढ़ी सिर्फ। यहाँ नज़र आता है कि पॉपुलेशन कराची की कर्टेल की गई, उसको सप्रेस किया गया, ठीक है। 61 के बाद आपकी पॉपुलेशन सेंसस 81 के अंदर, 10 साल बाद नहीं, 72 के बाद, 11 साल के बाद। अच्छा 81 में क्या चीज़ थी, 81 में मार्शल लॉ था, सरकार फौजियों की थी, उन्होंने कंपैरेटिवली बेहतर पॉपुलेशन सेंसिस कराई। कराची की पॉपुलेशन कितनी बढ़ी, 3.2%, कहाँ उन्होंने 72 में 1% बढ़ाई 1.05%, और 81 में क्योंकि एक गैर जानेदार गवर्नमेंट थी इस लिहाज से देखा जाए तो 3.2% बढ़ गई इसके अंदर। अब उसके बाद आ जाए 81 के बाद सेंसिस हो रही है कब, 98 में, 17 साल बाद।
17 साल के अंदर अब कौन सी गवर्नमेंट है यहाँ पे, वही प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उन्हीं लोगों की है। कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है कराची की 17 साल में? 3.8%। 17 साल में। अब आ जाए 2017 में, 98 के बाद, 19 साल बाद कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है कराची की कंपैरेटिवली सिंध के कंपैरेटिव? 1.12% नज़र आता है कि सप्रेस किया है आपको। तो ये आपके साथ हिस्टोरिकल इनजस्टिस होता आ रहा है सिर्फ इस लिहाज से, इस वजह से कि जो सिंध के फ्यूडल्स हैं या सिंध की इलीट है, जो हुक्मरान लोग हैं, उनको नज़र आ रहा है कि कराची की पॉपुलेशन जो है इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि अगर ये इसको हमने इस तरीके से सही काउंट करते चले आए तो हम मिनॉरिटी में चले जाएंगे, ये मेजॉरिटी में आ जाएंगे और अल्टीमेटली पावर शिफ्ट हो जाएगा। ये झगड़ा है सिंपल सिंध के अंदर, सिंपल सिंपल है ये झगड़ा है, ये सेंसिटिविटी है। 2023 में क्या किया है इन्होंने, जो नंबर अभी तक है 1.91 मिलियन, जो 19.1 मिलियन, सॉरी पानी पानी, उसमें के हमारी पॉपुलेशन 0.5% कम हुई है, यानी कि हम 2017 में 33.5% थे और 2023 में जो करंट नंबर है, हालांकि अभी उनसे करेक्शन होनी है इसके अंदर, जो एग्जिस्टिंग नंबर इन्होंने दिए हैं जो आखिरी दिन था सेंसिस का, उसमें हमारी पॉपुलेशन 33% यानी 0.5% हम कम हो गए। कोई सोच सकता है कराची के अंदर जहाँ मतलब नेशनल ग्रोथ भी कम हो रही है उसके क्या नाम है, जो इतना सारा इन्फ्लक्स हो रहा है, माइग्रेशन भी है, तमाम चीज़ें, इन तमाम चीज़ों के बावजूद कराची की पॉपुलेशन एज़ कम्पेयर टू पॉपुलेशन ऑफ सिंध जो है 0.5% कम हो गई है। नज़र आता है ना कि सप्रेस कर रहा है, कौन कर रहा है ये इंपॉर्टेंट सवाल जो आपको पूछना चाहिए, आप नहीं पूछ रहे, मैं खुद ही बता देता हूँ आपको कौन कर रहा है। नजर आ रहा है ना, लेकिन मैं इसको बताता हूँ किस तरह हो रहा है, कौन लोग करते हैं और कैसे होता है। देखिए सेंसिस का निज़ाम काम किस तरह करता है, प्लानिंग कमीशन का एक इदारा है, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है ना, फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वहाँ एक सेंसिस ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ उनके पास स्केलेटन स्टाफ है, 200-400 लोग होते हैं जो उसको सिस्टम को चला रहे होते हैं फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर। सेंसिस करने के लिए आपको हज़ारों लोग चाहिए होते हैं, लाखों लोग चाहिए होते हैं। सिर्फ सिंध के अंदर आपको एक दरख्वास्त पर एक्ट जो है 43,000 जो है सेंसिस ब्लॉक हैं, और दो एक इन्यूमरेटर के पास दो ब्लॉक होते हैं सेंसिस करने के लिए, यानी कि दो ब्लॉक्स जो हैं एक इन्यूमरेटर ने करने होते हैं, पहले हाउसिंग सेंसिस करता है वो, फिर हाउस लिस्टिंग होती है, फिर क्या नाम है मरदमशुमारी होती है, बंदों की होती है, फिर उसमें बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर के जी आपके घर में चूल्हा कैसा है, गैस आती है नहीं आती है, आपके क्या नाम है जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन क्या है, आपकी अपनी एजुकेशन क्या है, स्कूल कहाँ हैं, कैसे पढ़ते हैं आप, तो बहुत सारे। इस मरतबा जो उन्होंने सेंसिस किए ना, इससे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये मरदमशुमारी के अलावा इन्होंने बहुत सारे इंडिकेटर, मतलब स्कूल कहाँ पे लोकेटेड है, हेल्थ के इशू क्या हैं, बीमारियाँ कौन सी हैं, क्योंकि डेटा चाहिए, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, नौकरी है नहीं है, एजुकेशन क्या, ये सारी चीज़ें इकट्ठी की हैं जो अल्टीमेटली बहुत काम आएंगी। ऑफ कोर्स बहुत डेटा है, जरूरी है, लेकिन उसमें क्या हुआ है, उसमें जो करने वाला है ना उसके ऊपर बोझ ज़्यादा आ गया है। अब अगर एक आदमी सिर्फ ये पूछे आपसे कितने लोग रहते हैं, आपने कहा 10 लोग रहते हैं, उसने काउंट किया 10 चला गया, लेकिन आप वो पूछे कि 10, अच्छा आपके वालिद की एजुकेशन क्या है, आप जो बेगम साहिब हैं उनकी एजुकेशन क्या है, बच्चा कहाँ पढ़ा है, उसकी एजुकेशन क्या है, फ़लाँ कौन है, फ़लाँ किधर है, आपके घर में पंखे कितने हैं, आपके घर में लाइट है कि नहीं है, गैस आती है कि नहीं आती है, किचन कितने हैं आपके यहाँ, अगर ये सारी चीज़ें पूछना शुरू कर दे तो टाइम तो ज़्यादा लगता है उसके अंदर, पूरा इंटरव्यू है, हाँ तो पूरा इंटरव्यू है, पॉडकास्ट है, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आई है उसके अंदर। अच्छा, इस तरीके से जब ये सेंसिस हुई हैं तो अब जो लोग सेंसिस करते हैं वो कौन लोग होते हैं, वो सेंसिस जो करने वाले, जो मैं असल जो बात बताना चाह रहा हूँ वो होते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट के। देखिए वहाँ से तो जो फेडरल गवर्नमेंट से सिर्फ एक सेंसिस कमिश्नर अपॉइंट होता है, प्रोविंशियल सेंसिस कमिश्नर, उसके साथ 2-4 लोग होते हैं, वो आकर सूबे में बैठ जाते होते हैं, बाकी सारा स्टाफ क्या होता है, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, मुख्तार कार, आपका स्कूल का क्या नाम है हेडमास्टर,
स्कूल के टीचर या दूसरे लोग, ये सारे होते हैं सिंध गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज, ठीक है, और ग्राउंड पे उन्होंने काम कर रहा है। जो नंबर डालना है, जो आपने टैबलेट आपको दी है उसमें ये लिखना कि यहाँ पे चार आदमी रहते हैं या पांच आदमी रहते हैं या दो आदमी रहते हैं, ये उसका काम है, या कोई भी नहीं रहता, या कोई भी नहीं रहता। अब वो लोग कौन है? सिंध गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, और ज़्यादातर कौन लोग हैं? अब पावर किसको चाहिए? वो भी जाहिर ही बात है भाई, उनका एम क्या है कि शहर की पॉपुलेशन को कम दिखाया जाए। करने वाले भी इनके अपने लोग हैं, कमांड एंड कंट्रोल भी उन्हीं के पास है, इंस्ट्रक्शंस वहाँ से आ रही है, उनका लोगों को जो सेंसस कर रहे हैं उनका अपना मोटिवेशन भी है, मतलब आईडी भी है उनकी। फिर प्लस ये कि जनरली स्पीकिंग, जैसे मैंने पहले कहा, एक तो ट्रेनिंग का इशू है, काम बहुत बड़ा है, ट्रेनिंग ठीक नहीं हुई थी। दूसरा ये कि उनका मतलब आईडी भी है और लेथार्जी भी है, ये तीनों चीज़ें कम्बाइंड होने के बाद पॉपुलेशन जो कराची की बहुत कम काउंट की गई। अब मैं उसको किस साबित करूँ आपको बताऊँ। देखिए लाड़काना डिवीज़न है और कराची डिवीज़न है, कंपेयर कर लें आप उसके अंदर। लाड़काना डिवीज़न के अंदर जैकबाबाद है, वहाँ पॉपुलेशन कितनी बड़ी है? 49%। मत मैं ये फिगर ऐसी हवा में नहीं कर रहा हूँ, ये लिखे उसे करें, ये वो है, एक्चुअल फिगर है एक्चुअल फिगर है। शिकारपुर में कितनी बड़ी है? 39%। कश्मीर में कितनी बड़ी है? 38%। लाड़काना में कितनी बड़ी है? 25%। सखर में कितनी बड़ी है? 27%। उमरकोट में कितनी बड़ी है? 24%। कराची में कितनी बड़ी है? कराची की भी आता हूँ आपको, और बाकी शहर हाँ, भी रहता है, बाकी भी मतलब सिंध के सारे शहर जो है सब जगह पे 25% से ज़्यादा ही ज़्यादा है सब जगह पर, ठीक है ना। कराची आ जाएँ, साउथ में जो है आपकी 13% बड़ी, नहीं बल्कि 8% बड़ी है आपका। वेस्ट में 13% बड़ी है, सेंट्रल में 25% बड़ी है। तो मकसद मेरा ये है कि ये लोग जो है बाई डिज़ाइन इन्होंने कराची की पॉपुलेशन को कम किया और सिंध की पॉपुलेशन को ज़्यादा बढ़ाया इसके अंदर, इंटीरियर सिंध की। हैदराबाद की पॉपुलेशन भी कम बड़ी है, मेक सेंस। तो जो मैं बात कर रहा था, किसका इंटरेस्ट है? जो सिंध की इलीट है, हुक्मरान इलीट है, पीपल्स पार्टी है, जो भी पीपल्स पार्टी हो या कोई और भी हो, सिंधी इलीट जो है, उनका इंटरेस्ट ये है कि उनके नंबर्स को ज़्यादा रखा जाए ताकि पॉलिटिकल पावर शिफ्ट ना हो। इसलिए वो कराची की पॉपुलेशन, अर्बन एरियाज़ की पॉपुलेशन जो है उसको सप्रेस करते हैं और ये नंबर साबित करते हैं कि यह सप्रेशन है और वहाँ इन्फ्लेशन है। 49%, 39%, 38% बढ़े तो इन्फ्लेशन हो गया ना। देखिए एक्चुअल क्या है, 2% नेचुरल ग्रोथ रेट है। इंटीरियर सीन में तो कहीं बाहर से आदमी नहीं आ रहा ना। कौन लोग जो है सेंसिस के एक्चुअल ऑपरेशन को मॉनिटर कंडक्ट करते हैं, उन्हीं का इंटरेस्ट होता है जो अलाइन हो जाता है। तो फिर ये कि कराची की पॉपुलेशन को सप्रेस कर रहे होते हैं, इंटीरियर सिंध की पॉपुलेशन को इन्फ्लेशन कर रहे होते हैं उसमें, और उनका मकसद ये है कि अल्टीमेटली उनको डर ये है कि जो एक नाइटमेयर है उनके लिए कि कोई एक वक्त ऐसा आएगा जब पावर जो है शिफ्ट होकर अर्बन एरियाज़ में आ जाएगी।